फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस उदयपुर के आसपास की जो सुंदर जगह हैं इस सीरीज में। आज हम आपको ऐसी जगह ले जाने जा रहे हैं जो आपके लिए भी नई है और हमारे मेरे लिए भी नई है। हम भी वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। ये देखिए उदयपुर की हरी भरी घाटियाँ। आज हम जा रहे हैं मदार लेक, जो कि उदयपुर की जो झीलें हैं उनकी मदर के रूप में कहलाई जाती है, क्योंकि जो पानी का स्रोत है वो मदार लेक से ही आता है। मदार लेक आपका बड़ी लेक से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं से बड़ी लेक से जो रास्ता जा रहा है बाहुबली हिल्स होते हुए, तो ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं छोटी मदार लेक। ये सामने माता जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार। और ये इधर झील दिखाई दे रही है, यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा, और ये सामने एक शिव जी का भी बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पर आप बैठ के आराम से शिव की पूजा कर सकते हैं। ये देखिए ये ही शानदार छोटी मदार लेक। यहाँ पर अभी गार्डन का एक ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, बहुत जल्दी ये बहुत अच्छा गार्डन बन जाएगा यहाँ पर। ये देखिए अभी और फ्लो हो रही है, इस बार अच्छी बारिश हुई उदयपुर और इसके आसपास इलाकों में, तो ये और फ्लो हो रही है। ये देखिए पूरी भरी हुई। पीछे उस उधर जो पहाड़ी के पास में दिख रहा है उसके मेन पाल है, और ये भी ये जो है ये छोटी पाल है, यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखिए हम इस साइड आ गए हैं, यहाँ से पूरा उस दिशा से पार करके इस तरफ आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए पानी कलकल करता हुआ, बिल्कुल शानदार। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको एक अलग ही महसूस होगा। फतेह सागर और जैसे यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन जो एक नेचुरल जो रहता है प्रकृति के बीच में आके जो आपको महसूस होता है वो आपको यहीं पर आके महसूस होगा। मदार लेक, या दूसरे शब्दों में कहें मदर लेक सभी झीलों की। ये देखिए इसकी बहुत बड़ी पाल है, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है एकदम, जहाँ तक अपनी नज़र जा रही है पहाड़ों के बीच में वहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये पूरी लंबी चौड़ी पाल है इसकी, बहुत ऊंचाई पे है। अब हम चल के उस दिशा में उस दिशा में जाएंगे, एंड तक उधर जाएंगे। ये देखिए ये लंबी चौड़ी पाल है इसकी। आज सुबह निकले थे हम, सुबह हल्का फुल्का रास्ता किया था, फिर दिन में 11-12 बजे गुड बना कि आज कहीं नई जगह चलते हैं, तो आज दिमाग में आया कि मदार लेक ही चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एकदम शानदार, देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ। उदयपुर वैसे पहाड़ियों के लिए फेमस ही है, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। जहाँ तक अपनी नज़र जाती है आपको छोटी छोटी जो अरावली की जो श्रृंखला है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखलाई देती है। ये देखिए यहाँ पर हम एक इस एंड पे आ गए हैं, यहाँ पर हल्की सी एक ऊंची सी एक चोटी है, इसके ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ से देखिए पूरा व्यू, सामने एक रिजॉर्ट बन रहा है, यहाँ से दिख रहा है पूरा व्यू। हम आए थे तो आज यहाँ आए तो हमने सोचा कुछ खाने पीने की चीज़ भी पैक करा लें, तो इसलिए हमने क्या है कि कुछ खाने की चीज़ भी पैक करा ली थी, जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा था, समोसे 2-3 समोसे, 1-2 आलू के पराठे, और जो बाटी यहाँ की जो फेमस है तलमा बाटी, अपने राजस्थान की शान तलमा बाटी, वो भी पैक करा के ले आए थे। ये देखिए बस आज यहीं झील के किनारे बैठ के इनका आनंद लेंगे, आज तो बिल्कुल एक अलग ही आनंद होगा। ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, जैसे अपने एक कुएं पर जो बैठ के जो रोटी खाते हैं वैसे आज यहाँ झील के किनारे बैठ के मस्त जो एक खाने का आनंद लिया है, तो मज़ा आ गया एकदम। ये देखिए यहाँ पर बोटिंग वगैरह, या जैसे फतेह सागर के यहाँ पर है वहाँ पर वैसी सुविधा नहीं है, लेकिन यह है अभी क्या है कि थोड़ा सिटी से दूर भी है, लेकिन अगर आप उदयपुर आते हैं तो आपको यह जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल जो है वो यहीं पर है आपको, और बरसात के सीज़न में तो ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए पानी ओवर फ्लो हो रही है, यहाँ से कुछ ने सिंचाई के लिए पंप वगैरह भी जोड़ रखे हैं। तो दोस्तों आपको उदयपुर अगर आप आते हैं तो छोटी मदार और बड़ी मदार भी है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।